क्या सोच रहे हो, कहां से आए पैसे? चोरी के हैं। अरे नहीं, चोरी के नहीं है, मेरी फ्रीलांसिंग की पेमेंट थी। मैंने अपने पेयोनीर अकाउंट से अपने लोकल बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र किए हैं पैसे। कैसे करते हैं आपको नहीं पता? बहुत ही सिंपल है यार, ये वीडियो देखो आपको भी समझ आ जाएगी। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम करता हूँ आपको आपके अपने चैनल HBS सर्विसेज में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ कि आप लोग पेयोनीर से अपने लोकल बैंक अकाउंट में पेमेंट को कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। मुझे अपने पेयोनीर अकाउंट में से कुछ पेमेंट विड्रॉ करनी थी, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ वीडियो बनाकर इस प्रोसेस को भी शेयर कर दूँ। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। अकाउंट जब आप अपना लिंक कर लेते हैं पेयोनीर के साथ, उसके बाद आप लोगों ने किस तरीके से विड्रॉ करवाना है अपनी पेमेंट को, वो सारा प्रोसेस मैंने आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर किया। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। जी हाँ, तो फ्रेंड्स हम आ गए अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर और आप देख सकते हो मैं अपने पेयोनीर अकाउंट में लॉगिन हूँ और ये लिखा हुआ जी मेरा नाम हाफिज बासित अली। बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि भाई HBA का मतलब क्या है, तो HBA का मतलब है हाफिज बासित अली। ताड़ियाँ भाई, ताड़ियाँ। मैंने आपको वर्ड फेनोमेना समझा दिया, HBA आपका आपको मीनिंग बता दिया है। खैर, ओवर एक्टिंग बहुत होगी, अब बताते हैं आपको डायरेक्टली जो प्रोसीजर है वो ये है कि यार यहाँ पे आप देख सकते हो जी $300.09 मेरे अकाउंट में पड़े हैं जिसको मैंने विड्रॉ करवाना है। तो हम यहाँ से जाएंगे, ऊपर आपको नज़र आ रहे होते बहुत सारे ऑप्शन। बहुत सारे लोग कहते हैं कि कार्ड बेटर है या डायरेक्टली विड्रॉ बैंक में करवाना बेहतर है। तो भाई बैंक में डायरेक्ट विड्रॉ करवाना बेहतर है। कार्ड यूज़ करते हो एक तो वो कुछ टैक्स कटता है और ऊपर से डॉलर का रेट बड़ा कम मिलता है। तो खैर, यहाँ पर विड्रॉ करेंगे तो बैंक अकाउंट, इसके ऊपर सिंपली हमने यहाँ पर कर देना है क्लिक। क्लिक करने के बाद भाई जी दसो यूरो है कौन सी आपके पास करेंसी है। तो भाई हमारे पास USD है, तो हमने यहाँ से डॉलर को सिलेक्ट कर लिया। बहुत लोग कहेंगे भी पैसे विड्रॉ करवा रहा है तो बड़ा खुश हो रहा है। नहीं, ऐसी बात नहीं यार, वैसे भी बंदे को खुश होना चाहिए। तो लेकिन खैर, ये भी बात आपकी किसी हद तक ठीक है। तो खैर, यहाँ पर देखो यार, ये बैंक का नेम मैं नहीं लूँगा और मैंने उसको हाइड भी किया हुआ। ये ना हो कि यार आप मेरे बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करा दो, एड्रेस तुसी चंगे। तो खैर, मैं उसको भी छोड़ देते हैं, वो चीज़ हाइड कर दे। तो यहाँ पर आपने लिखने कि आपने कितनी अमाउंट को विड्रॉ करवाना है। तो हमने करवाने हैं 300, वो हम 0.09 भी करवा सकते हैं, बट फिलहाल हम राउंड फिगर में रहते हैं, ज़रूरी नहीं करवा सकते। मिनिमम आपके पास $100 बैलेंस होना चाहिए विड्रॉ करवाने के लिए। पहले ये $50 था, अब इन्होंने ये कर दिया। वो $50 वाली यार पॉलिसी ठीक थी। जो नए बंदे होते हैं वो बेचारे, अब उनको काफ़ी टाइम लग जाता है कि $100 कमाने में। तो फिर उनको वो स्टार्ट में $50 बड़ा अच्छा होता था उनके बैंक अकाउंट में। ये होता था कि चलो एक मंथ डेढ़ मंथ में उनको उनकी फ़र्स्ट पेमेंट मिल जाती थी, वो भी बड़ा हैप्पी हो जाते थे। बट इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था यार। मैंने इनसे चैट भी की बट वो कहते हैं कि नहीं, कुछ नहीं हो सकता इस बारे में। और इधर हम कोई भी रैंडम सी डिस्क्रिप्शन लिख देंगे, उसके बाद हम यहाँ पर क्लिक करेंगे रिव्यू के बटन पर। जैसे रिव्यू पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर वो आपको फिर से दिखा देगा जो भी डिटेल्स हैं। खैर, मैं यहाँ पर बैंक नेम फिर से आईड है। यहाँ पर अब देखें, आपको बता रहा है जी एक्सचेंज रेट $1 आपको मिल रहा है 151। अगर ये आप पेपॉल में लोगे तो ये 150 से भी मेरा ख्याल नीचे चला जाएगा। और डायरेक्ट विड्रॉ करवाओगे तो आई थिंक 148-149, यानी कि कार्ड के थ्रू अगर पेमेंट करवाओगे। और पाकिस्तानी रुपीज़ में भी बनते हैं कोई 4534-6.56, तो ये आपके सामने है। तो खैर, ये है डाटा एंट्री की पेमेंट, इसमें से $280 है। $20 एक कंपनी की तरफ मेरी कमीशन पड़ी थी, वो भी ये भी वो $20 ऐसे पैसे हैं कि जो बंदा कहता है ना भूल के ऐसे कहीं पे रैंडमली पड़े मिल गए, हाँ ये मेरे पैसे थे। वो कंपनी कहती भाई आपके हमारी तरफ $16 पेंडिंग है। मैं कह यार बड़े चंगे हो तुसी। पर जब पेमेंट रिक्वेस्ट हम सेंड करते हैं तो उसके अंदर ये होता है कि आप $20 मिनिमम सेंड कर सकते हो, इससे कम नहीं। तो मैंने जब उनसे ये बात की, उन्होंने कहा कोई बात नहीं यार, आप हमारे इतने अच्छे वो हैं, वर्कर हैं, हमारे साथ काम करते, तो आप $20 की रिक्वेस्ट भेजें, $600 पाकिस्तानी आपके लिए बोनस मैं कर लाओ जी। तो इस तरीके से करके खैर वो मिले। उसके बाद आपने यहाँ पे से कर देना है क्लिक आई कंफर्म एंड देन क्लिक कर देना है विदड्रॉ एंड दैट्स इट। और ये थोड़ा आपको टाइम बता देगा भाई, 4 से 5 बिजनेस डेज लगेंगे। अभी स्क्रीनशॉट देख लेते क्या कहता है वो। खैर भाई, नंबर वेरीफाई सच वेरीफिकेशन 2-स्टेप वेरीफिकेशन ऑलवेज अपना ओन रखें, इसको हमेशा यूज़ रखें, बहुत अच्छी बात है। तो हम इसको यहाँ पर जो भी हमें कोड रिसीव हुआ है वो हम इसको यहाँ पर एंटर कर देते हैं। मैंने ऑन किया हुआ है, आप लोग भी ऑन किया करो यार, काफ़ी इशू रहता है। तो सिक्योरिटी फर्स्ट, उसके बाद ये योर फंड्स आर ऑन द वे। अभी एक मेल आ जाएगा मेरी ईमेल आईडी पर, उसके अंदर मुझे बता देंगे कि 3 से 4 दिन लगेंगे आपकी पेमेंट ट्रांसफ़र हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं होता, 3 से 4 घंटों के अंदर पेमेंट ट्रांसफ़र
हो जाती है, बट वो मैक्सिमम ड्यूरेशन उन्होंने लिखा होता है। तो खैर ये थी आज की ये वीडियो, उम्मीद करता हूँ वीडियो जरूर पसंद आई होगी, लाइक शेयर कर देना। कोई भी क्वेश्चन है, कोई स्टेप समझना है, नहीं समझ आ रही, कमेंट करो #askasme यूज़ करके, एंड मेक श्योर कि आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो किया हो, क्योंकि जो भी आपका क्वेश्चन होता है वहाँ पर मैं वीडियो बनाकर उसका आंसर कर रहा होता हूँ। तो इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना @HBA Services, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है। मैं मिलता हूँ आपसे इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।